देखिए दोस्तों, मूंग और चना दाल को ना फ्राई करने के लिए देखिए हमने जीरा को ना ये कर लिए हैं, डाल दिए सरसों का तेल में। ये देखिए सरसों का तेल है और जीरा है, और इसमें दोस्तों देखिए हम क्या डालेंगे। ये देखो आप, मिर्च डालेंगे और दोस्तों इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। दोस्तों एक बार बताएं, करी पत्ता से ना बहुत ही टेस्टी बनता है। करी पत्ता का डाल के बनाओ, तड़का लगाओ ना तो दाल में ना तो इतना टेस्टी बनता है कि हम बता नहीं सकते हैं। इसमें आपको ना टमाटर, धनिया पत्ता और मिर्च वाला तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से इतना टेस्ट हो जाएगा। बढ़िया, एक बार ट्राई करके देखना आप, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। और मेरा ढक्कन, ढक्कन को हम उठाते हैं। दाल मेरा इसमें रेडी है, थोड़ा सा इसमें से इसको डालेंगे अभी। ये देखिए दाल बिल्कुल तैयार है बन करके, और ये तड़का लगाएंगे अभी। देखिए बिल्कुल भी बढ़िया है, टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होगा।